और अब अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां रामनगरी अयोध्या की तपस्वी छावनी की महंती को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लग गया है। डीएम की मौजूदगी में रामकथा संग्रहालय में करीब 3 घंटे तक चली दोनों पक्ष के संतों की बैठक के बाद यह सफलता मिली है। अब 12 सितंबर को तपस्वी छावनी के साकेतवासी महंत के त्रयोदश संस्कार पर भंडारा होगा और महंती का फैसला न्यायालय तय करेगा। इस बैठक के बाद डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद साकेतवासी महंत सर्वेश्वर दास के त्रयोदश संस्कार से जुड़ा भंडारा तो होगा, पर महंती किसी की नहीं होगी। इस मामले में दोनों पक्ष न्यायालय में अपना दावा कर रहे हैं। जो जीतेंगे वह न्यायालय के आदेश पर महंत बन सकेगा। आपको बता दें कि तपस्वी छावनी की महंती को लेकर विवाद गुजरात के अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास महेंद्र भाई और परमहंस के बीच चल रहा था। इसको लेकर रामनगरी अयोध्या में संतों के 2 गुट आमने सामने थे। इस विवाद की आज लखनऊ से होकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। सत्ता के गलियारों में भी इस विवाद को लेकर आज असमंजस की स्थिति थी। इसका कारण अयोध्या और संतों को इसके केंद्र में होना था। वहीं इस बैठक में महंत दिलीप दास की ओर से मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास, बल्लभा कुंज के प्रमुख और विक्रमादित्य महोत्सव समिति के अध्यक्ष स्वामी राजकुमार दास, मंगल भवन के महंत राम भूषण दास, कृपालु बाबा और परमहंस दास के पक्ष में संकट मोचन सेना के अध्यक्ष संजय दास, डॉक्टर महेश दास और माधव दास आदि संत मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि तपस्वी छावनी के पूज्य महंत साकेतवासी हमारे पूज्य गुरुदेव महंत सर्वेश्वर दास जी का 12 तारीख को जो है 13वीं का भंडारा सुनिश्चित है, जिसको लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या 2 फाट में बंट चुकी थी। एक महाभारत जैसे स्थिति का जो है माहौल बन गया था, तो उसको लेकर के एक आज बैठक हुई। दोनों तरफ के लोगों को इन्वाइट किया गया और 2 घंटे मंथन करने के बाद में फिर हमने बीच में रास्ता निकाला और हमने कहा ऐसा है कि न्यायालय से डिसाइड होगा, जो वो सर्वमान्य होगा, चाहे आप हो चाहे हम हैं, और उसके पहले 13 तारीख को एक सर्वसम्मति से भंडारा मिलकर के कर लिया जाए। और इस पर जो है सहमति भी बन गई है, जहां लोग आपस में जो है जहां थोड़ा सा मनमुटाव था, हम लोग मिल के आपस में बात कर लिए और सारा मनमुटाव खत्म हो गया है। 12 तारीख को जो भंडारा होगा बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा। और हमारा अतीत तो कहता है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कि पहले डकैत भी संतों की संगति में आके संत बन जाते थे। हम लोग अगर साधु वेश बना करके भी अगर संत न बने तो ये दुर्भाग्य होगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है जी, कि तब तक भोग राग और जो व्यवस्था है वो कैसे होगी और संचालन कौन करेगा? यथावत जैसे चल रहा है, मेरे अभी उसमें जैसे चल रहा है जिस तरह से, वो यथावत चलता रहेगा जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आएगा। और जो भी सामग्री बन चुकी है वहाँ, लड्डू कचौड़ी इत्यादि, वो भी सहमति हो गई है कि वो हम बंटवाएंगे, वो उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया है, स्टेटमेंट भी दे दिया है। तो किसी तरह से कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक प्रेम से सौहार्दपूर्ण हम लोग मिल करके ही सब करेंगे। तो व्यवस्था और संचालन आपके अधीन रहेगा? हाँ, अभी यथावत जैसे चल रहा है यथावत चलता रहेगा जब तक ट्रस्ट कोई निर्णय नहीं आएगा। देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हम लोगों ने जो विरोधाभास था सबको, सभी संतगण हम लोग बैठे, प्रशासन पुलिस सब बैठे, सभी संतगण पूजनीय संतगण बैठे यहाँ पे और सभी लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि जो भंडारे का कार्यक्रम है वो होगा और 200 संत रहेंगे और बहुत बेहतर तरीके से उन लोगों ने एक समरसता के साथ डिसीजन लिया है। और जो ट्रस्ट का जो इशू है और महंती का जो इशू है वो उस दिन डिस्कस कुछ नहीं किया जाएगा और जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उस संदर्भ में अंतिम होगा। 2 पॉइंट है, हाँ, तब तक के लिए जाएगा, तब तक क्या नहीं, वही तो उसका तो न्यायालय निर्णय करेगा। और जो अभी जो भंडारे का जो कार्यक्रम है वो सब लोग मिलकर सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। भंडारे के संदर्भ में यहाँ बात हुई है, वो है दोनों पक्ष है मिलकर करेंगे और समरसता के साथ करेंगे, दोनों ने तय कर दिया और सभी संतों की इसमें एक राय है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया। जब तक न्यायालय हंत के संदर्भ में जो निर्णय है वो न्यायालय के संदर्भ में निर्णय होगा। अभी जो भी है कि सभी संतों का जो समरसता के साथ होगा वो कर रहे हैं।